पुराना नंबर। हेलो हेलो मिस मेनका जी। यस सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपके पेटीएम के हेडक्वार्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ। यस सर। जी मैम मैं अपने सिस्टम पे चेक करवा रहा हूँ कि आपने अपना पेटीएम की केवाईसी नहीं करवाई अभी तक। हाँ जी। जी जो कि हमारा गवर्नमेंट का रूल है कि 3 साल के बाद अपने को केवाईसी 3 साल के बाद हमें रिन्यू करानी होती है। नहीं सर मैं बैंक जाकर ही करवा लूंगी। मैम आप बैंक पे जाओगे तो हम ऑनलाइन ही अभी आपकी केवाईसी कर देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी मैम इसके लिए मैम आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी ठीक है मोबाइल पर। हाँ जी। ये मैम एनी डेस्क ऐप है। आप मोबाइल में गूगल पे जाके एनी डेस्क डाउनलोड कीजिए। हाँ जी कर लिया मैंने। हाँ जी इसको पहले डाउनलोड होने दीजिए मैम। हाँ जी हो गया सर। और इसमें मैम 6 9 XL का भी कोड आ रहा होगा। हाँ जी। हाँ ये हमें शेयर कर दीजिए जिससे कि हम आपके एक्सेस ले सकें आपके मोबाइल को। आगे हम ये चेक कर पाएँ कि आपका जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो आपको कहीं कोई गलती ना हो पाए। ठीक है जी। जी 9876542100। मैम अभी आपकी स्क्रीन पे एक एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी। जी मैम इसको मैम प्रेस कर दीजिए। हाँ जी। जी मैम थैंक यू मैम। मैम हम आपकी अब स्क्रीन को देख पा रहे हैं। हाँ जी। जी मैम इसके लिए अब आपको एक वेरिफिकेशन के लिए अभी अपनी एक हमारी जो ऐप है इसमें जाके एक आपको क्रेडिट कार्ड की अपनी डिटेल वगैरह डालनी होगी। हाँ जी। जो आपके एटीएम में या क्रेडिट कार्ड की जो 16 अक्षर की डिटेल है उस पर मेंशन करके। तो हाँ जी ये सब आपके इसलिए कि स्टार्टिंग के जो 100 रुपए की हम वैसे करेंगे ट्रांजेक्शन जिससे हम ये क्लियर कर पाए कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बाद हम थोड़ी ज्यादा अमाउंट लेके हम आपकी वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है जी। जी और आपको रिफंड हो जाएगी पेटीएम से। ठीक है मैं अपना एटीएम लेके आती हूँ। हाँ जी सर बोलिए। मैम इसमें आपको जो एटीएम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो भी इसमें आपको अपने जो 16 अक्षर का कोड है वो डाल के मंथ या और ईयर वो सेव करना होगा जिससे हम आपको एक्सेस ले ये देख पाए कि आपके वेरिफिकेशन ओके हो सके। ठीक है एक मिनट। हाँ जी डाल दिया मैंने। जी मैम मैम बस अभी आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आप इसको मैसेज के थ्रू। मैम आपको रिसीव हो गया हमारी तरफ से ओटीपी। हाँ जी। हाँ जी जी मैम ओटीपी है 2678। जी 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 मैम वो आपको अपने स्क्रीन पे डालना होगा। ठीक है जी डाल दिया मैंने। जी थैंक यू मैम आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। मैम हम आपको आधे घंटे के बाद आपका ये रिफंड वापस हो जाएगा। ठीक है ओके। जी अरे ये तो फ्रॉड कॉल है। मेरा अकाउंट 5 लाख रुपए विच हैज बीन रिटर्न। इन दिस इंसिडेंट वी सी दैट वी आर ट्रैप्ड बाय साइबर हैकर्स एंड लॉस्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा मनी एंड समटाइम वी लॉस्ट आवर चिल्ड्रन। व्हेन वी रिसीव एनी फ्रॉड कॉल we should refuse to that person and we should update our KYC by visiting the bank. Second incident that cyber hackers try to enter your phone from mobile application. When we download any mobile application,
it asks permission for read SMS, view photo gallery and track location. And we click on OK and moving forward without proper read. Then complaints come that my 10 lakh rupees has been withdrawn from my account. I did not tell my OTP to anyone. So when we download any mobile application, we should properly read permission and then click on allow and deny. Never share any OTP and personal information on mobile. Never click on unknown link. Always aware cyber safety. Thank you.